हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम बैक इन अवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू अवर इंग्लिश मास्टर चैनल। और आज के इस लेसन में हम क्लास नाइन्थ की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज हमने शुरुआत की थी, यूनिट नंबर वन का जो फर्स्ट पोएम आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड, मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, और उसको जितना भी प्यार आप सब बच्चों से मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सो दिस पोएम का नाम है लाइफ, एंड मैंने ऑलरेडी पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी में अपलोड कर दिया है। सो नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड यस ऑफ कोर्स, चलिए शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पिक आउट फ्रॉम द पोएम टू लाइंस ईच दैट रिफ्लेक्ट एन ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पेसिमिस्टिक नेगेटिव एटीट्यूड। सो इसका अर्थ सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आपको इस पोएम में से ऐसे दो दो जो लाइंस है पोएम के वो चूज करने हैं, ऑप्टिमिस्टिक यानी जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, आशावादी हम उसको बोलते हैं, एंड पेसिमिस्टिक यानी कि जो निराशावादी भूमिका दर्शाती है, फिर उससे उसे जानकर हमें ऐसा लगता है कि यार इससे कुछ तो निराशावादी फील हो रहा है। ठीक है, सो पहली बात तो ध्यान में रखिए, ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव आशावादी, एंड पेसिमिस्टिक यानी निगेटिव यानी निराशावादी। सो ऑप्टिमिस्टिक लाइन्स कौन से हैं, मैंने यहाँ पर दो दो लाइन्स लिए हैं। द फर्स्ट लाइन इज फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे, एंड सेकेंड वाला लाइन है बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। सो दीज आर दी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड वाले लाइन्स, एंड द पेसिमिस्टिक निराशावादी देखते हैं। नंबर वन, ऑफ लिटिल मॉर्निंग रेन, एंड नंबर टू, समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। सो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, गिव अदर एल वाई एडवर्ब्स ऑफ सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग, यूज ट्रेजर इफ नीडेड। सो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज आर दी एडवर्ब्स, जिस जब किसी वर्ब के आगे एलवाई लगता है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, तो इसी के सिमिलर मीनिंग के आपको वर्ड्स चूज करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आंसर्स दिए हैं, सो लेट्स लर्न इट। रैपिडली के लिए क्या लिया है हमने, स्विफ्टली, ठीक है, रैपिडली यानी कि जल्दी से, स्विफ्टली का मीनिंग भी जल्दी से होता है, सो हमको सिमिलर मीनिंग लेने हैं। मैरिली का मीनिंग है चेयरफुली, यानी कि हम बोलते हैं उत्साह से। ग्रेटफुली का है थैंकफुली, यानी कि किसी को आप जब थैंक यू बोलते हो तो वो जो भावना होती है लाइक दैट। चेयरली यानी कि हैप्पीली, यानी कि बहुत ही उत्साह से। मैनफुली यानी ब्रेवली, यानी बहादुरी से। फियरलेस, फियरलेस यानी कि किसी से भी नहीं डरना है। फियरलेसली यानी करेजसली, यानी कि एकदम आपने जो एक करेज वाला जो फीलिंग है वो यहाँ पर शो होता है। ग्लोरियसली यानी वंडरफुली, यानी कि बहुत ही सुंदर। विक्टोरियसली यानी ट्रायम्फेंटली, यानी कि क्या, कि ये जीत की भावना दर्शाता है। सो दीज आर द आंसर्स स्टूडेंट्स, राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, पिक आउट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि रेटोरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द पॉइंट इन दैट ईच वन। अभी यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए, इंट्रोगेशन यानी क्या कि रेटोरिकल क्वेश्चंस, यानी कि जो सवाल पूछते हैं जिसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वो इंट्रोगेशन सेंटेंस हो जाता है, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देना है। सो उन्होंने क्या यहाँ पे क्या बोला है, पिक आउट थ्री एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ व्हाई लैमेंट इट्स फॉल। यानी कि यहाँ पर कवि क्या कहता है, द पोएट इज टेलिंग अस कि इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, अगर पानी से रोजेस खिलते हैं, ब्लूम यानी खिलना, ओ व्हाई लैमेंट इज फॉल, व्हाई लैमेंट इट्स फॉल। सो फिर अगर जब गुलाब खिलता है तो आप पानी से खिलता है तो आप खुश होते हो, अगर वो जब मुरझा जाता है तब आप रोते क्यों हो, लैमेंट यानी दुख दर्शाना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया है, इफ लिटिल रेन हेल्प्स द रोजेस टू फ्लावर वी शुड नॉट फील अनहैप्पी अबाउट इट। यानी कि जब पानी की बूंद किसी फूल को खिलने में मदद करती है तो हम तब उदास नहीं होते, तब तो हम बहुत खुश रहते हैं। दिस मीन्स दैट वी मस्ट नॉट एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर द डिफिकल्टीज वी फेस इन लाइफ। सो इसी तरह से पोएट आपको बता रहा है कि लाइक दैट आपके जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन आपको उसके लिए दुख की भावना नहीं जतानी है, यू हैव टू डील विथ ऑल थिंग्स। ठीक है, बहुत ही बहादुरी से आपको हर एक सिचुएशन में अच्छे से
आगे निकल जाना है। सेकंड वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। व्हाट थॉट डे दैट टाइम स्टेप सीन एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे। जब हम जिससे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी, कि जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच हो और उसको जब वो उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु होने के बाद वो हमसे बिछड़ जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि हम उनसे बाद में मिल भी नहीं सकते। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। इफ डेथ एट टाइम्स टेक्स अवे द पीपल वी लव मोस्ट, यानी कि मृत्यु से क्या होता है कि जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो वो लोग आपसे दूर चले जाते हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट इट एंड होप फॉर बेटर टाइम्स, लेकिन हमें ये जो सिचुएशन है इसको एक्सेप्ट करना ही है और अच्छी जो एक आने वाला वक्त है उसके लिए हम आशावादी रहे। नंबर थ्री, व्हाट डू सोरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हेवी स्वे, यानी कि दुख से ऐसा क्या जीता जा सकता है। देखिए, इट डज नॉट मैटर इफ वी आर ओवरकम बाय सोरो एंड होप सीम्स टू बी फार अवे, यानी कि हमें सिर्फ दुख में नहीं रहना है, सो उससे आपको उठकर कुछ अलग करके दिखाना है, वो रोते नहीं रहना है। सो दिस इज द मीनिंग, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रेटोरिकल क्वेश्चन इंटरोगेशन क्वेश्चन। ओके, सो चलिए बी यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में ए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। लेट चेक बी, एक्सप्लेन द मेटाफोर इन द फॉलोइंग लाइंस। मेटाफोर यानी कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हिंदी में रूपक बोलते हैं। अभी देखिए फर्स्ट वाला जो लाइन यहाँ पर दिया है आपके क्वेश्चन बुक में, ऑफ लिटिल मॉर्निंग रेन फोटेल्स अ प्लीजेंट डे। तो यहाँ पर मेटाफोर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, सो द आंसर इज, इसका मीनिंग क्या दिया है, इफ वी हैव डिफिकल्टीज एट सम स्टेज देयर विल बी जॉयस टाइम फॉलोइंग इट। अगर दुख के बादल आए हैं तो दुख के बाद सुख तो आना ही है। डिफिकल्टीज आर इम्प्लिसिटी कंपेयर टू रेन एंड जॉयस टाइम्स टू अ प्लीजेंट डे। और इस जो सेंटेंस है, इन दिस सेंटेंस, और ये जो एक आपके पोएम में का सेंटेंस है, इसमें क्या दिया है कि डिफिकल्टीज ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोटेल्स अ प्लीजेंट डे, कि डिफिकल्टीज आर इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड टू अ रेन, कि रेन से कंपेयर किया है कि जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, एंड जॉयस टाइम्स टू अ प्लीजेंट डे, और प्लीजेंट डे को क्या दर्शाता है, क्या मेटाफराइज करता है, कि अच्छा खुशी का दिन ये यहाँ पर दर्शाता है। सेकेंड वाला देखते हैं सेंटेंस, समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स, sometimes there are clouds, यानी कि कभी कभी दुख के बादल रहते हैं, so इसको कैसे explain किया है, sometimes there are problems, problems are implicitly compared to clouds, so यहाँ पे देखिए sometimes there are problems, कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी बहुत hard situation भी आ जाती है, लेकिन ये जो इस लाइन में प्रॉब्लम्स आर इम्प्लिसिटली कंपेयर टू क्लाउड्स, प्रॉब्लम्स को किससे कंपेयर किया है, क्लाउड से कंपेयर किया। नंबर थ्री, द शॉवर विल मेक द रोजेस ब्लूम, यहाँ पर देखिए, द प्रॉब्लम्स वी फेस विल मेक फॉर बेटर टाइम्स अहेड, यानी कि जिंदगी में जो हम मुश्किलों में होते हैं तो उससे आगे जाके हमें कुछ अच्छा ही होने वाला है। प्रॉब्लम्स आर कंपेयर्ड टू द शावर्स ऑफ रेन, यहाँ पर देखिए, द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ये जो शावर है तो इसको कंपेयर किससे किया है, प्रॉब्लम से किया है। एंड बेटर टाइम्स आर कंपेयर्ड टू रोजेस ब्लूमिंग, यानी कि जिस तरह से पानी की बूंदों से गुलाब खिलता है, फूल खिलता है, उसी तरह से जो डिफिकल्टीज प्रॉब्लम जिंदगी में आते हैं उससे उबर कर इंसान के जीवन में कुछ तो अच्छा होने वाला होता है, यह यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नंबर फोर, लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, यानी कि इसका आंसर देखिए, द हैप्पी टाइम्स ऑफ आवर लाइफ गो बाय वेरी क्विकली, यानी कि जिंदगी में खुशी के जो पल होते हैं वो जल्दी ही बीत जाते हैं। हियर द हैप्पी टाइम्स आर कंपेयर्ड टू सनी आवर्स, सनी आवर्स यानी कि जो हमारे जिंदगी के खुशनुमा पल होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो उसको यहाँ पर सनी आवर्स से कंपेयर किया है। नंबर सी, Pick up four examples of personification. Write what is personified in each lines. तो यहाँ पर क्या किया है? This is the figure of speech. अभी हमको ढूंढ के निकालना है कि personified क्या किया है? So death steps in. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? That is death is personified. Death को यहाँ पे personified किया है कि मृत्यु जिंदगी में आ रहा है। Number two, sorrow seems to win. यहाँ पर देखिए sorrow is personified. यानी कि दुख जीतने वाला है। नंबर थ्री, एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, तो यहाँ पे देखिए होप इज पर्सोनिफाइड, कि होप जो है वो आपको नहीं छोड़ना है,
अच्छा जो एक पॉजिटिव वाइब्स आपके लाइफ में होते हैं वो उसके लिए आशावादी आपको रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है. कैन करेज क्वेल डेस्पेयर, करेज इज पर्सोनिफाइड, कि आपका जो करेज है उसको यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है. सो दिस इज द आंसर नंबर डी. एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, यानी कि हमारे जो बहुत ही प्रिय जो व्यक्ति होते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं. इज अ जेंटल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द अनप्लीजेंट आइडिया ऑफ अ लव्ड वन डाइंग, हमारे जो नजदीकी जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो उनको उसको दर्शाने के लिए, उस फीलिंग को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये एक लाइन दिया है पोएम में. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिमिज्म, थिंक एंड राइट डाउन थ्री और फोर वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डेथ इन अ टैक्टफुल एंड जेंटल मैनर, यानी कि डेथ की जो आइडिया है उसको हमें मेंशन करना है. सो देखिए यहाँ पर फोर एग्जांपल्स है. द पर्सन हैज पास्ड ऑन टू अनदर वर्ल्ड, यानी कि डेथ के बाद हमारे जो प्रिय व्यक्ति होते हैं वो दूसरे दुनिया में चले जाते हैं. नंबर टू, ही और शी हैज गॉन टू मीट हिज और हर मेकर, यानी कि वो शायद भगवान के घर चले गए हैं. नंबर थ्री, ही और शी हैज बिकम द बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी कि वो भगवान के बहुत चाहते थे इसलिए वो चले गए. और नंबर फोर है, ही और शी हैज कम्प्लीटेड हिज वर्क ऑन दिस अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर उनका जो समय था वो उन्होंने कम्प्लीट कर लिया है, दैट्स वाई दे हमें छोड़कर चले गए लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर फोर देखिए स्टूडेंट्स, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट करेज एंड होप कैन हेल्प मी ओवरकम एनी मेजर मिशैप और प्रॉब्लम इन लाइफ, यानी कि मुझे तब पता चला कि यस, कि जो मेरी जिंदगी में जो होप है यानी कि जो आशा है और जो मेरा करेज है उससे मैंने जिंदगी के प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया, यानी उससे उबर कर बाहर आ गया. राइट एन एपिसोड और एक्सपीरियंस फ्रॉम योर ओन लाइफ दैट लीड्स टू द अबो कंक्लूजन, यानी कि ये जो कंक्लूजन यहाँ पर निकला है कि यस, मैंने जिंदगी में एक ऐसे मोड पर ऐसी सफलता पाई है, उसको ओवरकम किया है. सो चलिए इससे रिलेटेड आई हैव गिवन सम लाइंस टू यू. सो आंसर देखिए, राइट इट डाउन. आई एम लवर ऑफ स्पोर्ट्स, मुझे खेल बहुत पसंद है. My favorite game is football, और मेरा favorite game football है. यहाँ पर मैंने football लिया, आप कोई भी आपका game ले सकते हो. I wanted to play in my school team and right from the age of 11, I had been practicing very sincerely. मुझे मेरी school की team में खेलना था और मेरी 11 साल की उम्र से ही मैंने practice के लिए sincerely, यानी बहुत ही मन लगाकर मैंने practice के लिए शुरुआत की थी. Then one unfortunate day, और एक दिन ऐसा हुआ, when I was 12, जब मैं 12 साल का था, I fell down the stairs of my building and fractured my leg badly. मैं मेरी बिल्डिंग्स की जो स्टेयर्स है उससे गिरा और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया. I was devastated, यानी कि तब मेरी हालत बहुत खराब थी. How could I play my favorite game? तब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं मेरा फेवरेट गेम कैसे खेलूं. हाउ कुड आई मेक इट टू द टीम, मैं टीम के साथ कैसे खेलूं. वुड माई लेग एवर बिकम कम्प्लीटली ऑल राइट अगेन, क्या मेरा पैर पहले जैसा वापस ठीक हो जाएगा. वुड आई बी एबल टू रन अराउंड एंड किक द बॉल एज बिफोर, क्या मैं पहले जैसे चलकर भागकर बॉल को किक मार पाऊंगा. आई फेल्ट दैट माई वर्ल्ड हैड एंडेड, मुझे ऐसे लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है. दिस वॉज द टाइम वेन माई फैमिली गेव मी देयर फुल सपोर्ट, लेकिन यही वक्त था जब मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया. My grandparents helped me to while away the long hours, made nutritious food for me, and my parents made nutritious food for me and saw to the medical treatment. मेरे grandparents और मेरे parents ने मेरी बहुत मदद की, मुझे अच्छा खाना खिलाया, मेरी medical treatment करवा दी. My sister, मेरी बहन, who is 4 years older than me, जो मुझसे 4 साल बड़ी थी, gave me sound advice and courage, उसने मुझे हिम्मत दी. She told, यहाँ पर D है, so let me just स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, इसको आपको सिर्फ टोल्ड यानी बताना, ठीक है. She told me of various people who had suffered terrible disasters and had rise above them. Rise above them यानी क्या, कि उसकी सिस्टर ने उसे बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलकर कुछ हासिल किया है, सफलता पाई है. She brought me videos of umpteen cases where the mind had won over the body. ऐसे videos उसने मुझे दिखाए जिसपे जो मन है वो जो यहाँ पर देखिए कि where the mind had won
ओवर द बॉडी, यानी कि मन जो है वो शरीर के ऊपर जीत हासिल करता है. शी मेड मी रीड बायोग्राफीज ऑफ अचीवर्स लाइक सुधा चंद्रन की बायोग्राफी मैंने पढ़ी. शी मेड मी डू माई एक्सरसाइजेस रेगुलरली, उसने मुझे हर रोज एक्सरसाइज करने में मदद की. एंड कीप इन टच विद माई स्पोर्ट, और स्पोर्ट्स को याद रखने में उसने मेरी मदद की. स्लोली बट श्योरली, धीरे सही बट स्लोली बट श्योरली आई रीगेन करेज एंड कॉन्फिडेंस. धीमे धीमे क्यों ना हो, लेकिन मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो वापस मिल गया, रीगेन यानी वापस पाना. बिलीव इट और नॉट, आप बिलीव करो या फिर ना करो, विश्वास करो या फिर ना करो. टू ईयर्स लेटर, दो साल बाद आई मेड इट टू माई फुटबॉल टीम, और मैंने दो साल बाद अपनी फुटबॉल टीम में जीत हासिल की. सो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लग रहा है ये स्टोरी सुनकर कि दिस इज द स्टोरी जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है, कॉन्फिडेंस करेज आप में लाता है. क्वेश्चन नंबर 5, रीड का मतलब है पढ़ना. आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, द पाम ऑफ लाइफ, अ पोएम बाय एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो की ये पोएम है. अभी इन दिस COVID-19 सिचुएशन ऑनलाइन आप चेकिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा पोएम और आप रीड कीजिएगा. सो आई होप कि आपको आज का ये लाइफ के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी समझ में आए. ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिन बच्चों को जरूरत है उनके पास फ्री में ये वीडियो पहुंच जाए. और वी आर नॉट चार्जिंग एनी सिंगल पेनी फॉर आवर वीडियोस, दिस इज अ फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब. सो आप बच्चों के पास ये शेयर कीजिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगी. एंड यस ऑफ कोर्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.